नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। इन दिनों सीएए और एनआरसी को लेकर पूरे देश भर में बवाल मचा हुआ है, लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि क्या लोग जानते हैं क्या है सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, क्या लोग जानते हैं कि एनआरसी क्या है, आखिर क्यों इतना बवाल मचा है, क्या लोग समझ नहीं पा रहे हैं या उन्हें कोई बरगला रहा है। इन तमाम सवालों के बीच में हमारे साथ चर्चा के लिए फिलहाल मौजूद है अश्विनी उपाध्याय, बीजेपी प्रवक्ता। अश्विनी जी, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। अश्विनी जी, पूरे देश में इस वक्त बवाल मचा हुआ है, हर कोई ये जानना चाह रहा है कि आखिरकार क्यों, क्या लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि किन कारणों से सड़कों पर वो हैं, या फिर वो समझ नहीं पा रहे कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट आखिर है क्या, एनआरसी है क्या। आपको क्या लगता है इसके पीछे कौन है, कौन इस तरह लोगों को भड़का रहा है, बरगला रहा है? देखिए पूजा जी, मेरे हाथ में भारत का संविधान है। इस भारत के संविधान में बहुत स्पष्ट किया हुआ है कि भारत का नागरिक कौन हो सकता है। इसी संविधान ने पार्लियामेंट को यह शक्ति दिया हुआ है कि भविष्य में वो किसको भारत का नागरिक बना सकता है। एक तो हो गया कानूनी पहलू, और मैं दूसरी बात बताता हूं कि जो ऐतिहासिक तथ्य है, भारत का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ। मुस्लिम्स ने कहा कि हमको अलग से देश चाहिए, पाकिस्तान बन गया, बंटवारा हो गया। इनफैक्ट जमीन उनको ज्यादा मिली, जनसंख्या उनकी कम थी, उसके बावजूद जमीन उनको ज्यादा मिली। अब उसके बाद क्या हुआ कि 1950 जैसे ही विभाजन हुआ, उसके बाद बार मारकाट शुरू हुई। भारत में किसी भी एक भी माइनॉरिटी को न मारा गया, न पीटा गया, न ये कहा गया तुम भारत छोड़ के भागो। लेकिन पाकिस्तान में मारकाट शुरू हो गई। पाकिस्तान में जो मुस्लिम्स थे, उन्होंने वहां के जो माइनॉरिटीज थे, हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई, उनको मारना पीटना शुरू किया। बहुत सारे भाग के आए बंटवारे के बाद। दुर्भाग्य आप ये देखिए कि उसके बाद वहां पे ये पलायन ऐसा नहीं कि एक बार होके रुक गया, वो लगातार जारी रहा, लगातार जारी रहा। अब इसका मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जब बंटवारा हुआ था, उस समय पाकिस्तान में माइनॉरिटीज की आबादी 23% थी। अब वहां पे माइनॉरिटीज की आबादी 3% है, यानी 70 साल में 20% माइनॉरिटी कम हो गए। ये लोग जो विरोध कर रहे हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूं कि 20% माइनॉरिटी कैसे कम हो गए 70 साल में। भाई भारत में जो माइनॉरिटी थे, पर विशेष रूप से मुस्लिम्स, वो तो 8% के 18% हो गए 70 साल में। लेकिन जो वहां पे हिंदू थे, बौद्ध थे, पारसी थे, वो 23% से 3% हो गए। क्या पाकिस्तान में जो माइनॉरिटी थे, उनके लड़के नपुंसक थे जो उनके बच्चे नहीं पैदा हुए, या जो पाकिस्तान में माइनॉरिटीज की बेटियां बाज थी जो उनको बच्चे नहीं पैदा हुए, कहां गए 20% माइनॉरिटी? वो 20% माइनॉरिटीज को जबरदस्ती उनको धर्म परिवर्तन कराया गया। जिन्होंने धर्म परिवर्तन कबूल नहीं किया, उनको देश छोड़ के भागना पड़ा। वो आज बेचारे भारत में आए हैं। अब भारत में आए हैं, अगर उनको भारत विचरण नहीं देगा तो कौन देगा? पाकिस्तान के हिंदुओं को, सिखों को, जैनियों को, पारसियों को, बौद्धों को अगर भारत शरण नहीं देगा तो अमेरिका तो देगा नहीं, इसराइल देगा नहीं, जापान जर्मनी देगा नहीं, तो देगा कौन? बड़ी सीधी सी बात है, पाकिस्तान भारत का भाग था, बांग्लादेश भारत का अंग था। अब अगर वहां से उनको निकाला गया है तो भारत ही शरण देगा। और इस बात को महात्मा गांधी ने कहा था। सबसे आश्चर्य की बात है कि महात्मा गांधी और नेहरू जी ने कहा था कि अगर वहां के माइनॉरिटीज को कोई दिक्कत आएगी पूजा जी, तो उनको भारत शरण देगा। 1950 में नेहरू जी और लियाकत जी के बीच में समझौता हुआ, रिटर्न में। मैंने इनफैक्ट उसकी कॉपी सुप्रीम कोर्ट के पिटीशन में भी लगाई हुई है। उन्होंने कहा था, पहले तो लियाकत और जो नेहरू पैक्ट हुआ था उसमें यह कहा गया था कि भारत अपने माइनॉरिटीज की रक्षा करेगा, पाकिस्तान अपने माइनॉरिटी की रक्षा करेगा। भारत अपने माइनॉरिटी की रक्षा करने के लिए भारत ने अपने संविधान को सेकुलर बनाया। हमने अपने संविधान में चाहते, उस समय देश का बंटवारा हुआ था, हमारे अगर जो पूर्व चाहते नेहरू जी, बाबा साहब अम्बेडकर, जो लोग संविधान, जो मुख्य लोग थे संविधान सभा के लोग, वो चाहते तो कहते हम ठीक है भैया, तुम अगर इस्लामिक कंट्री बनोगे तो हम तो हिंदू कंट्री बन जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं किया। भारत के जो संविधान निर्माताओं ने कहा कि नहीं, अगर हम हिंदू राष्ट्र घोषित कर देंगे तो जो माइनॉरिटीज यहां हैं उनके मन में डर पैदा होगा, इसलिए हम एक सेकुलर देश बनेंगे। पाकिस्तान ने क्या किया अश्विनी जी? हाँ। यही तो आज विपक्ष भी कह रहा है ना कि आप डर पैदा कर रहे हैं, आप डर पैदा कर रहे हैं मुसलमानों के मन में। पूजा जी, मैं आप हिंदुत्व की ओर आगे बढ़ रहे हैं, यही तो विपक्ष आप पर आरोप लगा रहा है। मैं उनका जवाब देता हूं, एक बिल्कुल मिथ्या आरोप है, बिल्कुल मिथ्या आरोप है। पाकिस्तान ने क्या किया कि पाकिस्तान ने कहा था कि हम भी सेकुलर रहेंगे, हम जो है वहां की माइनॉरिटी की हिफाजत करेंगे, लेकिन तुरंत इस्लामिक वहां पे बन गया। पाकिस्तान भी इस्लामिक हो गया, बांग्लादेश भी इस्लामिक हो गया, अफगानिस्तान भी इस्लामिक हो गया। अब इन तीन देशों के हिंदू, बौद्ध, सिख, पारसी, जैन,
इनकी बहन बेटियों पे जो अत्याचार हो रहा है, छोटी आपने आप लोगों ने कितनी बार दिखाया है, उनकी 10 साल की 12 साल की 14 साल की बेटियों को उठा लिया जाता है, उनका धर्म परिवर्तन करा दिया जाता है, बेचारे अपनी इज्जत मर्यादा कहते नहीं, अपना सब कुछ छोड़ के अपनी इज्जत लेके अगर भारत में आए हैं और यहां पे अगर दोयम दर्जे के नागरिक रहेंगे, यहां पे जून के महीने में जब ये विरोध करने वाले विदेशों में घूमते हैं, तब वो बेचारे रिफ्यूजी, वो शरणार्थी जून के महीने में पंखा झलते हैं, उनके पास बिजली का कनेक्शन नहीं है। बिजली कनेक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि वहां के नागरिक नहीं है। मतलब कुल मिलाकर कल तक हमारा दिल पसीजता था, लेकिन हमारा दिल नहीं पसीजेगा। 70 सालों तक हम यही तो करते आए, हमने अडॉप्ट किया ना आज तक, पाकिस्तान की बात हो, बांग्लादेश की बात हो, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, हमने फिर भी उनको अपनी गोद में बिठाया, हम फिर भी उनको अपने दिलों में जगह देते रहे। मतलब आज जिस ढर्रे पर वो चल रहे थे, आज हम भी उसी ढर्रे पर चल रहे हैं? नहीं, ये मानकर चले। सुनिए, पहली बात तो आपको मैं बता दूं, बहुत बहुत अंतर है। ये जो लोग जिसका विरोध कर रहे हैं, मैं इनसे यही तो कह रहा हूं, आप मुझे बताओ कि इस सीए कानून से, इस नागरिकता के संशोधन के कानून से भारत के किस नागरिक का, किस समुदाय का, किस तबके का कौन सा अधिकार खत्म होगा? सुप्रीम कोर्ट में टोटल 59 याचिकाएं हैं जी, यही तो सवाल है ना। आखिर ये बात आप लोगों को समझा क्यों नहीं पाए? मैं जवाब दे रहा हूं, बताइए, समझाइए ना लोगों को। सुप्रीम कोर्ट में 59 याचिकाएं हैं, मैं भी सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूं, कल अब तक मैं 22 उनकी पिटीशन को पढ़ चुका हूं। किसी एक भी पिटीशन में एक भी पिटीशनर ने यह नहीं बताया कि भारत के मुस्लिम्स का कौन सा अधिकार इससे प्रभावित होने जा रहा है। ये कानून भारत के लोगों के लिए तो बना ही नहीं है, ये कानून बना है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश की माइनॉरिटीज को भारत की नागरिकता देने के लिए। भारत के किसी एक भी नागरिक का एक रत्ती भर अधिकार इससे खत्म नहीं होने वाला है। और दुर्भाग्य ये देखिए कि जो लोग भारत के तथाकथित सेकुलर कल तक सुबह से शाम तक कहते थे इस देश में पहला हक माइनॉरिटीज का है, जो सुबह से शाम तक माइनॉरिटी की माला जपते रहते हैं, जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, वही अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के माइनॉरिटीज के खिलाफ हो गए। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान के, बांग्लादेश के माइनॉरिटीज को यहां नागरिकता न मिले। ये कितनी दुर्भाग्यपूर्ण है। और जहां तक विरोध की बात है, विरोध तो जनधन खाते का हुआ था, विरोध तो आपके उज्ज्वला गैस कनेक्शन का हुआ था, विरोध तो जब अटल पेंशन योजना आई उसका भी हुआ था, विरोध तो तब भी हुआ जब हमने की बात करते हैं ना। आप देखिए, कोई सी भी पार्टी की बात कीजिए, आप आम आदमी पार्टी की बात कीजिए, आप कांग्रेस की बात कीजिए, आप समाजवादी पार्टी की बात कीजिए, बसपा की बात कीजिए, किसी पार्टी की बात कीजिए जो विपक्ष में है, वो ये कह रहा है कि आप संविधान पर डाका डाल रहे हैं। ये संविधान पर डाका है, ये कानून नहीं, ये संविधान पर डाका है। ये मैं संविधान दिखा के चुनौती देता हूं, ये जो लोग कह रहे हैं, मैं उनके नेताओं को कोट कर रहा हूं। भारतीय कांग्रेस गांधी जी को मानती है, कांग्रेस नेहरू जी को मानती है। मैं देश के दर्शकों से कहूंगा, नेहरू पैक्ट, लियाकत पैक्ट को पढ़ें और गांधी जी को सुने। गांधी जी ने कहा था कि अगर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में किसी एक भी वहां के हिंदू को कोई दिक्कत आएगी, भारत शरण देगा। नेहरू जी ने कहा था, जो लियाकत पैक्ट हुआ उसमें, कि अगर पाकिस्तान अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाएगा तो पाकिस्तान की माइनॉरिटीज को भारत में शरण मिलेगी। नेहरू जी ने कहा था। ये लोग कौन है? आम आदमी है, आमजन आपको नजर आता है? मैं आपको बताता हूं कौन है। ये जो सपा आज विरोध कर रही है, लोहिया जी ने कहा था कि भारत की, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश की में माइनॉरिटीज की हालत बहुत खराब है, उनको भारत को शरण देना चाहिए। ये लोहिया जी का बयान। और जो बसपा इसका विरोध कर रही है, जो बार बार बाबा साहब अंबेडकर की बात कर रही है, बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था देश का बंटवारा हो रहा है, कृपा करके मिक्स मत करिए, सारे मुसलमान उधर भेज दीजिए, सारे हिंदू इधर ले लीजिए। मुझे लगता है अगर बाबा साहब अंबेडकर की बात अगर मान ली गई होती तो आज ये समस्या ही नहीं होती। या तो धर्म के आधार पे बंटवारा नहीं होता। लोग हैं सड़कों पर उतरे हुए आज, ना बाबा साहब ने क्या कहा, मैं उसकी बात पूछ रही। आज मैं सवाल ये पूछूं कि सड़कों पर उतरे लोग कौन है? ये आम आदमी है, नहीं आमजन है, क्या बाहर से आए लोग हैं? मैं बता रहा हूँ ये सड़कों पर उतरे हुए कौन लोग हैं। इसमें सड़कों पे उतरे हुए जो 95% मैं आपको कहूंगा, जरा उसे जाके पूछिए, उनको सीए कानून के बारे में पता कुछ नहीं पता। मैं जामिया कल गया था, मैं सीलमपुर कल गया था, जो लोग लाए गए हैं उनको कंफ्यूज किया गया है, उनको गुमराह किया गया है कि इस कानून से तुम्हारी नागरिकता चली जाएगी, जो सरासर झूठ है। ये वो लोग कर रहे हैं जिनको भाजपा से बहुत नफरत है, ये काम वो लोग कर रहे हैं जिनको मोदी जी से बहुत नफरत है। कौन है वो लोग? निश्चित रूप से सपा, बसपा, कांग्रेस, सारे इकट्ठे हो रखे हैं, जिनको लगता है उनकी दुकान बंद होने वाली है। आप आम आदमी पार्टी की बात नहीं कर रहे, जिस दिन आगजनी हुई दिल्ली में उस दिन सबसे पहले नाम आप आम आदमी पार्टी का ही ले रहे थे, अब्दुल्ला खान को जिम्मेदार ठहरा रहे थे, केजरीवाल का उनको गुंडा बता रहे थे। देखिए, उत्तर प्रदेश में ये काम सपा बसपा कर रहे हैं, दिल्ली में ये काम कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कर रहे हैं। मैं नाम लेके आपसे कह रहा हूं, दिल्ली में ये काम कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कर रहे हैं। जो जामिया में हुआ था उसका पूरा जिम्मेदार आम आदमी पार्टी का विधायक था, और मैं कहता हूं आम आदमी पार्टी का विधायक अपने आप जा ही नहीं सकता। आम आदमी पार्टी में किसी विधायक की इतनी हिम्मत नहीं कि अपने आप को जाके काम करे, बिना पार्टी आला कमान केजरीवाल के इशारे के वो अमानुल्लाह वहां गया ही नहीं था। इसी तरीके से
जो सीलमपुर में हुआ है वो कांग्रेस का विधायक मतीन अहमद, उसने वो दंगा करवाया है, और उस विधायक कितनी हिम्मत नहीं है कि बिना राहुल और सोनिया के इशारे पे जाके वहां कोई काम कर पाए। इसलिए मैं कह रहा हूं इस साजिश में सारे पार्टी के बड़े नेता शामिल हैं। ये तो दुर्भाग्य है हमारे पास, हमारे देश में पॉलीग्राफ, नार्को और ब्रेन मैपिंग का कानून नहीं है, नहीं तो ये लोग जो विरोध कर रहे हैं, एक बार इनका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग हो जाए अपने आप स्पष्ट हो जाएगा कि इनको गुमराह किया गया रहे इनको। तो या आप तो दूर कीजिए ना लोगों के संदेह जो हैं वो, आप उनको दूर कीजिए ना, क्या है सीए बताइए ना लोगों को। देखिए मैं आप दर्शकों से ये कहना चाहता हूं, आप सबसे ये कहना चाहता हूं, सीए भारत के लोगों के लिए नहीं बना है। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन कानून, केवल पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश की माइनॉरिटी, माइनॉरिटी का मतलब जो वहां पे हिंदू रहते हैं, वो सिख रहते हैं, जैन रहते हैं, बौद्ध रहते हैं, पारसी रहते हैं, ईसाई रहते हैं, उनको भारत की नागरिकता देने के लिए है। और सबसे बड़ी बात ये, यूपी में जो सपा बसपा के लोग ड्रामा कर रहे हैं, ये जो रिफ्यूजी आए हैं इसमें 70% SC ST OBC हैं, जो सुबह से शाम तक दलित की बात करते हैं, पिछड़े की बात करते हैं, अनुसूचित जाति जनजाति की बात करते हैं। दुर्भाग्य से वो लोग विरोध कर रहे हैं वोट बैंक की पॉलिटिक्स में, केवल अपनी दुकान चलाने के लिए। उनको यह समझ में नहीं आ रहा है कि इसका जो सबसे बड़ा लाभ मिलने वाला है वो उन तीन देश के रिफ्यूजीज को मिलेगा, शरणार्थियों को मिलेगा, जिसमें 70% दलित, पिछड़े ये लोग हैं। एनआरसी क्या है बताइए लोगों को, क्या है एनआरसी? लोग कह रहे हैं कि आज आप सीए लेकर आए हैं, आपने नॉर्थ ईस्ट में क्या किया, 12 लाख लोगों को आपने बाहर का रास्ता दिखाने का काम किया, क्या वो क्या थे, वो हिंदू नहीं थे क्या उनमें? लोग ये सवाल पूछ रहे हैं आपसे। मैं आपको बताता हूं, देखिए दोनों में अंतर है ये, लेकिन ये तथा कथित फर्जी सेकुलर दोनों को मिक्स कर दिए हैं। जो नागरिकता संशोधन कानून है ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के नागरिकों को भारत की के माइनॉरिटीज को भारत की नागरिकता देने के लिए। जो एनआरसी है ये एनआरसी केवल देश में ये पहचानेगा कि यहां पे कौन विदेशी घुसपैठिया है। इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत में 5 करोड़ रोहिंग्या बांग्लादेशी घुस चुके हैं, वो हमारे आपकी रोजी रोटी छीन रहे हैं, वो हमारे आपका हिस्से का पानी पी रहे हैं, वो हमारे आपके भारत के हिस्से की जमीन पे बैठे हुए हैं, वो यहां का रोजगार छीन रहे हैं। मैं ये कहता हूं कि हमारी जनसंख्या तो पहले इतनी बहुत ज्यादा है, हम 5 करोड़ वो बांग्लादेशियों क्यों ले, वो बांग्लादेश क्यों नहीं वापस चले जाते, वो म्यांमार अपना क्यों नहीं चले जाते। अब अगर उनकी पहचान तो न एनआरसी किसी भारत के आदमी के लिए है, न ये जो सीए है ये किसी भारत के नागरिक के लिए है। एनआरसी के थ्रू केवल ये पहचान की जाएगी कि भारत में जो घुसपैठिया है कौन है। कुछ लोग कहते हैं कि इससे जो है आप सबका वोटर आईडी मांगोगे और जो यहां के लोग हैं उनकी नागरिकता खतरे में होगी। आप ये बताइए, भारत में 125 करोड़ लोगों का तो आधार बन चुका है, भारत का कोई ऐसा परिवार नहीं है, कोई ऐसा घर नहीं है जिस घर में आधार नहीं है, जिस घर में राशन कार्ड नहीं है, जिस घर में वोटर आईडी कार्ड नहीं है, जिस घर में बिजली का कनेक्शन नहीं है, जिस घर में आपको और भी सुविधाएं, गैस का कनेक्शन नहीं है, इतनी बैंक का पासबुक नहीं है। इतनी सारी सुविधाएं होने के बावजूद अगर कोई ये कहता है कि मैं भारत में हूं लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं वो रोहिंग्या या बांग्लादेशी है, भारत का हो ही नहीं सकता। 70 साल के तो बाद मतलब अगर भारत 12 लाख लोग बिना राशन कार्ड के, बिना घर में बिजली के, बिना किसी कागजात के वहां पर रहते, क्योंकि उनको कागजातों की कमी के कारण ही तो देश से बाहर किया गया ना। नहीं, उनको देश के नागरिक इसलिए तो नहीं है। सुनिए मैं आपको बताता हूं, वो आसाम में जो हुआ था सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हुआ था, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में वहां पूरी जांच की गई और जांच में पाया गया कि ये लोग विदेशी हैं, ये पाकिस्तान, ये बांग्लादेश से घुस के आए हैं। मैं खुद वहां जाके गया हूं, पाकिस्तान जो आसाम का बॉर्डर वाला एरिया है पूरी तरीके से डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है, सारे बांग्लादेशी वहां पे घुस आए हैं और इनफैक्ट बांग्लादेशी वहां मेजोरिटी हो गए हैं, असम के लोग वहां माइनॉरिटी हो चुके हैं, बांग्लादेशी वहां पे मेजॉरिटी हो गए हैं। असम का जो विरोध है केवल इस बात को लेके है कि एक बार तो आपने 1971 तक के बांग्लादेशियों को यहां की नागरिकता दे दी, आप उसके बाद क्यों दे रहे हैं, इस बात को सरकार ने भी एड्रेस किया है। जहां तक नॉर्थ ईस्ट की बात है, नॉर्थ ईस्ट के किसी एक राज्य में ऐसे लोगों को नागरिकता नहीं मिल सकती है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के जो 8 राज्य हैं उनको संविधान में विशेष संरक्षण मिला हुआ है। अश्विनी जी एक बात बताइए, जब आपने इतना अच्छा कानून बनाया, जब आप इतनी अच्छी तैयारी के साथ में आए, तो लोगों को भरोसे में क्यों नहीं ले पाए? आखिर लोग क्यों बरगला पा रहे हैं जब आप ये कह रहे हैं कि इससे आम जनता, जो भारत का नागरिक है, उसका कोई लेना देना ही नहीं है,
उसके बाद आप सीलमपुर में देखिए, ये वही लोग हैं जो सरकारी तमाम योजनाओं का फायदा भी ले रहे हैं, फिर भी सड़कों पर उतर के कह रहे हैं कि हमें सीएए के खिलाफ में हम खड़े हैं, हम एनआरसी के खिलाफ में खड़े हैं। आप दिल्ली के, आप जामिया में जाते हैं, वहां पर भी लोकलाइट्स लोग निकलकर बाहर आ जाते हैं, वो लोग कौन थे? जाहिर सी बात है, तमाम सरकार की योजना उन तक भी पहुंच रही है और वो भी भारत के नागरिक है, फिर भी वो विरोध कर रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश मऊ में चले जाइए, आप संभल में चले जाइए, आप लखनऊ में चले जाइए, जहां जहां पर प्रदर्शन हो रहे हैं वहां वहां पर वो भारत के नागरिक जो सड़कों पर उतरे हैं। तो लोगों को भरोसे में क्यों नहीं ले पाए आप लोग? नहीं, मैं आपको इसका बता रहा हूं कि जो ये विपक्षी दल है, मुझे लगता है ये इतनी गैर जिम्मेदारी के साथ अपना काम कर रहे हैं, ऐसा कभी हुआ नहीं है। एक ऐसा कानून जो भारत के लोगों पे है ही नहीं है, जो भारत के लोगों के लिए बना ही नहीं है, उसके बारे में विशेष रूप से मुस्लिम को ये कह देना कि तुम्हारी नागरिकता खतरे में पड़ जाएगी, मुझे लगता है इससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता। बहुत बड़ा ये लोग पाप कर रहे हैं। इसलिए मैं मुस्लिम भाइयों से कहना चाहता हूं, आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। मुस्लिम भाइयों का अयोध्या जैसे बड़े मुद्दे में शांतिपूर्ण तरीके से फैसला लागू करा लेते हैं, लेकिन जब इतना बड़ा डिसीजन आप लोग लेते हैं तब लोगों को भरोसे में नहीं ले पाते, ऐसे आप पर आरोप लग रहे हैं। आप क्या भांप नहीं पाए कि ऐसा आलम हो सकता है जिस कारण से स्थिति आज ये आ गई? देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये कांग्रेस, सपा, बसपा और वामपंथी जिस तरीके से इस देश में जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं, निश्चित रूप से एक बार वो सफल, हमें लगता है कि एक बार उन्होंने हंगामा करा लिया है। लेकिन एक याद रखिए, जिस दिन इनको समझ में आ गया कि आपने इनके साथ धोखा किया है, आपने इनके साथ छल किया है, आगे से आपकी बात सुनेंगे नहीं। आप अभी जो करना है कर लीजिए। आम जनता धीरे धीरे समझ में आ रही है, उसको ये बात समझ में आ रही है कि ये कानून उनके लिए नहीं बना हुआ है। लेकिन ये लोग तथाकथित सेकुलर जो सुबह से शाम तक माइनॉरिटी की बात करते हैं, सुबह से शाम तक, एक तो उसमें ये भी कह चुके हैं कि इस देश में पहला हक माइनॉरिटीज का है, आज वो अगर माइनॉरिटीज का विरोध कर रहे हैं। अंदाजा नहीं लगा पाए कि ऐसी स्थिति आ सकती है? अयोध्या में भी तो शांतिपूर्ण तरीके से फैसला लागू कराया गया, वहां पर भी तो सेम सिचुएशन आ सकती थी, लेकिन वहां शांतिपूर्ण तरीके सब कुछ हो गया, सबने एक्सेप्ट भी कर लिया। नहीं, अयोध्या में और इसमें अंतर है। अयोध्या भाई, अगर ये अयोध्या के खिलाफ भी इस तरीके से हंगामा करते तो पहली बात तो इनको सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट झेलना पड़ता। सरकार के खिलाफ अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र है और वो कर रहे हैं। और लेकिन ये दुर्भाग्यवश कि इसमें हो क्या रहा है, इसमें जो अलगाववादी संगठन है, सिमी के संगठन हो गए और भी जो संगठन है पीएफआई केरला वाला, अब वो सब शामिल हो चुके। भाई जामिया में कोई स्टूडेंट नहीं पकड़ा गया, जामिया में जो पकड़े गए वो सारे के सारे गुंडे मवाली थे या भाड़े के टट्टू थे। अभी जो यहाँ पे सीलमपुर में पकड़े गए उसमें भाड़े के टट्टू पकड़े गए। यही तो सवाल है ना, भाड़े के। और जहां तक आपने मऊ की बात किया, जहां तक आपने आजमगढ़ की बात, सवाल है ना कि भाड़े के टट्टुओं का पता क्यों नहीं लगा पाए आप लोग? क्या इनपुट्स नहीं थे? जब आप इतना बड़ा फैसला लाने जा रहे हैं, भाड़े की तैयारियां की जाती है, इनपुट्स तैयार किए जाते हैं ना? निश्चित रूप से भाड़े के टट्टुओं को पकड़ा जा रहा है, उनको जेल भी डाला जा रहा है और उनको सजा भी मिलेगी। इसलिए मैं आम जनता से कहना चाहता हूँ, आप इनके बरगलाए में मत आइए, ये कानून आपके लिए बिल्कुल नहीं है, ये आप इनके कहने पे बिल्कुल मत आइए। ठीक है अश्विनी जी, बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए और वक्त देने के लिए। देखिए, जनता को फैसला करना है और जनता को समझना होगा कि सबसे पहले होता है राष्ट्र धर्म, और अगर आप अपने राष्ट्र धर्म को समझ जाएंगे तो आज जो बवाल पूरे देश में बचा है ये यहीं पर ही थम जाएगा। इसलिए सबसे पहले हिंदू मुसलमान नहीं बल्कि आप भारतीय हैं, इस बात का ख्याल रखिए। चलिए, इसी के साथ इस हमारे खास पेशकश में इतना ही, आगे भी खबरों का सिलसिला जारी, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।